गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, हमने सेकेंड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। दिस इज़ क्लास थर्ड, ओके, थर्ड EVS। तो हमने चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था और फिर उसके बाद हम पढ़ाई कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की। हमें पढ़ना है अब चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम हो जाता है चैप्टर 3 एनिमल वर्ल्ड, ठीक है। और डेट आप डाल दीजिए, आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं। और अब मैं इसको शुरू करती हूँ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस। अब देखो, एनिमल वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? एनिमल्स की दुनिया। अब ऐसा तो है नहीं कि एनिमल्स किसी और दुनिया में जाके रहते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम ऐसे अलग कहते हैं कि भाई वो हम ह्यूमन से अलग होते हैं, है ना। तो वो अलग खाते हैं, अलग उनका रहना होता है, वो अलग जगहों पर रहते हैं, उनकी आदतें अलग होती हैं, उनका चलना फिरना, शिकार करना सब अलग होता है। तो हम कहते हैं कि भाई वो तो दूसरी अलग ही दुनिया के प्राणी हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, बर्ड्स, सब इस दुनिया में रहते हुए भी अलग अलग टाइप की लाइफ स्टाइल होती है उनकी, इसीलिए हम सब कहते हैं एनिमल वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड, है ना, इस तरीके से। तो एनिमल्स की दुनिया में आज हम जाते हैं और देखते हैं कि एनिमल्स क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, क्यों मूवमेंट करते हैं और कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 1313 पे हम देखेंगे, मैं रीड कर रही हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। Different kinds of animals live in different types of places. अलग अलग टाइप के एनिमल्स, different मतलब अलग अलग, है ना, अलग अलग तरीके के एनिमल्स अलग अलग जगह पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, सम इन वाटर। तो आपको भी पता है भाई, ये तो छोटे में ही पढ़ लिया था आपने, फर्स्ट क्लास से आप जानते हो कि जैसे हम सब लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, वैसे एनिमल्स भी अलग अलग जगह पर रहते हैं, है ना। तो कुछ एनिमल्स हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं, जैसे कि स्क्विरल है, मंकीज़ हैं, सब बच्चों ने देखा होगा। और कुछ जो होते हैं वाटर में रहते हैं, जैसे कि फ़िश होता है, टॉयज़ होता है, क्रोकोडाइल होता है, टर्टल्स होते हैं। इसके अलावा सम लिव ऑन लैंड, कुछ लैंड के ऊपर रहते हैं, काउ, गोट, बफेलो, टाइगर, पता नहीं कितने सारे नाम अपन को पता है। और कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं, अंडर द ग्राउंड मतलब वो बड़े बड़े होल्स करके रहते हैं, जिसमें कि सांप, खरगोश और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, जानवर आते हैं, ठीक है ना। कुछ जो होते हैं वो ट्रीज़ के नीचे ऐसे ही बैठ जाते हैं, किसी भी ट्री को ढूंढ लिया, आराम से बैठ गए और रात में बढ़िया सो गए, है ना। तो वही उनका शेल्टर होता है, वही उनकी जगह होती है रहने की। तो ऐसे जैसे कि ज़ेब्रा वगैरह होते हैं, हाथी भी ज़्यादा इधर उधर कोई डैन वैन में नहीं जाते, बस अपना वहीं पर ही किसी पेड़ वेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ होते हैं जो अंडर द ट्री रहते हैं, कुछ ऑन द ट्री रहते हैं, कुछ अंडर द ट्री रहते हैं, कुछ ऑन द लैंड रहते हैं, कुछ अंडर द लैंड रहते हैं, ठीक है। कुछ पानी में होते हैं तो कुछ हवा में उड़ते हैं। तो हवा में उड़ने वालों को हम बर्ड्स कहते हैं, और बहुत आपको बर्ड्स के भी नाम पता है। फिर देखिए, इन्होंने यही बताया है, स्क्विरल ट्री के ऊपर है, रैबिट है वो बोरो करके रह रहा है, मतलब वो इतना बड़ा उसने बनाया छेद और चुपचाप से इसके अंदर घुस गया। ज़ेब्रा देखिए, वो पेड़ के नीचे बस ऐसे ही बैठ गया है, ठीक है। नेस्ट, बर्ड्स जो होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं, आपको पता ही होगा, चाहे अपन स्पैरो वगैरह सब बच्चों ने देखी होगी। डक्स हैं और क्रोकोडाइल्स हैं, फिशेस हैं, टॉर्टोइज हैं, ये सारे के सारे वाटर में रहते हैं। और शेर, जंगल का राजा जो हैं, ये राजा साहब रहते हैं डैन के अंदर। अच्छा, डैन के अंदर कोई और जानवर नहीं रहता, राजा है भाई शेर। देखो, पेड़ पे नेस्ट बहुत सारे जानवर बनाते हैं, पेड़ों के ऊपर भी बहुत रहते हैं, पानी के अंदर बहुत रहते हैं, ज़मीन के अंदर बहुत रहते हैं, लैंड पे बहुत से चलते हैं, लेकिन डैन के अंदर सिर्फ शेर रहता है। कभी सुना है कि डैन के अंदर चूहा रहता है, डैन के अंदर खरगोश रहता है? कभी नहीं, डैन के अंदर सिर्फ शेर रहता है, ठीक है। तो भाई मतलब लॉयन, टाइगर, जो बड़े बड़े शेर, वो है ना जानवर जो डरावने हैं बहुत, वो ही होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बाद साइज़ ऑफ एनिमल्स। तो साइज़ में भी आपने देखा है कि छोटे से लेके बड़े तक, और ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दिखते तक नहीं है, जैसे कोरोना वायरस, बैक्टीरिया, है ना, फंगी, ये सब तो दिखाई भी सही ढंग से नहीं देते, तो ये इतने छोटे होते हैं। और अगर वेरी बिग में देखे जाएँ तो आपने एलिफेंट्स देखे हैं, डायनासोर्स भी होते थे पहले, और ज़ेब्रा वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो छोटे से लेके बड़े तक सब साइज़ के एनिमल्स मिलते हैं। अब वेरी बिग में कौन कौन आते हैं, जैसे कि एलिफेंट आते हैं, ज़ेब्रा आते हैं। थोड़े और नीचे आ जाएँ अपन, बिग में आते हैं लॉयन, टाइगर, ये सब आते हैं, ठीक है ना, हॉर्स,
उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं स्मॉल। स्मॉल में क्या आते हैं बेचारे, छोटे मोटे मंकी, रैबिट, और क्या कहते हैं उसको, स्क्विरल, है ना, रैट, चूहे, वूहे। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं स्मॉल, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल में क्या आते हैं, लिजार्ड, आंट्स, मॉस्क्यूटो, फ्लाइज, जो इतने तरह से होते हैं आप ऐसे मसल के फेंक देते हो, है ना। तो ये सारे के सारे साइजेस हैं अलग अलग एनिमल्स के। तो पहले हमने क्या देखा कि वो अलग अलग तरीके के जगह पर रहते हैं, दूसरा हमने देखा कि उनके साइज भी अलग अलग होते हैं, थर्ड हम देखेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट मतलब होता है हिलना डुलना, मैं चलूँ, कूदूँ, नाचूँ, बैठूँ, वो सब मूवमेंट है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा मुंह मूवमेंट कर रखा है, कर रहा है, मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, मैं लिखूँगी तो हाथ मूवमेंट करते हैं, मैं चलते चलते आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ तो मैं चल रही हूँ, वो भी मूवमेंट है। तो ये सारा का सारा हमारी बॉडी के अंदर जो भी चलना फिरना होता है, हिलना डुलना होता है, वो सब क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। अब एनिमल्स मूव कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, तो एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना है कि वो मूव करते क्यों हैं। वो मूव करते हैं या तो अपने फूड और वाटर की तलाश में रहते हैं, वो उसके लिए मूव करते हैं, या फिर कोई शेल्टर कि भाई रहने के, अब उनके तो खुद के मकान तो होते नहीं है कि भाई ये मेरा मकान है मैं सारी ज़िंदगी यहीं रहूँगा, ऐसा तो होता नहीं है ह्यूमन की तरह। उनका तो क्या रोज़ ही उनको नई जगह ढूंढनी होती है, है ना। शेर की पता नहीं, शेर शायद अपनी गुफा में रहता होगा रोज़ जाकर, वो एक अलग बात है, बट ज़्यादातर जानवर तो रोज़ रोज़ अपने चेंज करते रहते हैं। तो या तो वो शेल्टर के लिए करते हैं, या तो वो अपने फूड और वाटर के लिए करते हैं, है ना, और या तो फिर वो अपने एनिमी से दुम दबा के भागने के लिए करते हैं कि अगर बड़ा वाला एनिमल आ गया तो छोटे वाले एनिमल ने दौड़ लगा दी वहीं से, ठीक है। तो तीन कारण हैं, थ्री रीजंस हैं मूवमेंट के, फॉर द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वाटर, और तीसरा हो जाता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे, एनिमीज से। एनिमीज मतलब होता है शत्रु, मतलब दुश्मन, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि अब कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं ये तो हमें पता चल गया कि क्यों मूवमेंट करते हैं, पर कैसे मूवमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ जानवर होते हैं बहुत तेज़ दौड़ते हैं, उन्हें फास्ट रनर्स कहा जाता है, उनके पैर जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स। तो जैसे कि शेर, सॉरी, ये अपना टाइगर होता है, लेपर्ड होता है, है ना, हॉर्स होता है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं, ज़ेब्रा भी बहुत तेज़ दौड़ता है, इसके बाद चीता होता है, वो भी बहुत तेज़ दौड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आराम आराम से चलते हैं, जैसे काऊ को देखा है, गाय को, बफेलो, इन्हें कोई जल्दी नहीं होती, कहीं जाना नहीं होता, आराम आराम से चलती रहेंगी, घास वास खाती रहेंगी, शाम तक घर पहुंच जाती हैं, वो भी तब जब इनका वो मालिक इनको लेने आता है, वरना ये तो वहीं बैठ जाएंगी आराम से, है ना। तो इन्हें कोई जल्दी नहीं होती है, बहुत ही स्लो मूवीज होती हैं और आराम आराम से चलती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो फुदक फुदक के चलते हैं, है ना, हॉपिंग करते हैं, जैसे कि मेंढक या अपना कंगारू, वो भी फुदक फुदक के चलता है ना, वो ऐसे आराम आराम से नहीं चलता घूमते हुए। तो इन्हें कहते हैं हॉपिंग एनिमल्स। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने हाइंड लिम्स यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं, आगे के जो पैर होते हैं उनको फोर लिम्स कहते हैं, और फोर लिम्स की स्पेलिंग FOUR वाली नहीं होती है, ठीक है, ये नहीं है, फोर लिम्ब की होती है FOREL IMB। तो फोर लिम्ब की स्पेलिंग ये होती है, FOUR नहीं, FORE। फोर मतलब होता है चार, FOUR फोर, चार, FORE आगे, ठीक है। और लिम्स मतलब होते हैं अंग, हाथ पैरों को जनरली बोलते हैं। तो आगे के पैरों को तो हम फोर लिम्स कहते हैं, और पीछे के पैरों को हम क्या कहते हैं, हाइंड लिम्स कहते हैं। हाइंड मतलब होता है पीछे का, तो अगर हाइंड लिम्ब है तो वो हो जाएंगे पीछे के पैर जानवरों के, और फोर लिम्स जो होते हैं वो आगे के पैर। तो कुछ जो जानवर होते हैं वो अपने पीछे के पैरों को यूज़ करके चलते हैं, जैसे कि एप्स होते हैं और बियर्स होते हैं, आपने देखे होंगे ना, बियर्स कभी देखें तो वो पीछे के पैरों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ होते हैं रेंगते हैं, सांप देखा है, लिजार्ड देखिए, वो ऐसे ऐसे करके रेंगते हैं, अब उनको हम कहते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स, RETILES। ये किसी बच्चे को लिखना नहीं है कॉपी में, मैं इसको जब वर्ड में लिखवाऊंगी तब लिखवा दूंगी, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुन लो बस। अभी जो रेप्टाइल्स होते हैं ये रेंग रेंग के चलते हैं, इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं। कुछ रेप्टाइल्स तो ऐसे होते हैं जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं पर वो अपने पैरों को यूज़ करने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, अरे ऐसे ऐसे करके रेंग लिए, ज़मीन पे क्रॉल कर लेते हैं, है ना, क्रॉल करने का मतलब रेंग रेंग के चलना। तो जैसे कि सांप चलता है ऐसे ऐसे, तो
जो जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैर होते हैं बट वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते उन पैरों को यूज़ करने में, वो होते हैं क्रोकोडाइल। पड़े हैं सारे दिन, कोई दिख गया तो उसको खाने चल दिए जल्दी जल्दी, ऐसे आलसी, इतने मोटे मोटे, भारी भारी। अरे भाई इतने बड़े बड़े लोगों को खाओगे तो खुद भी तो मोटे ही हो जाओगे, क्यों, है ना, जो खाता है इंसान वैसे ही तो हो जाता है। अब उसके बाद फिर आता है अपना टॉर्टोइस, वो भी आलसी प्राणी है ना, बैठा रहेगा, थोड़ा थोड़ा चल लेगा। इसके अलावा फिर टर्टल्स होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। तो ये टर्टल्स, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस वगैरह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेप्टाइल्स हैं, हालांकि उनके छोटे छोटे पैर हैं बट वो आलसी कहीं के, वो फिर भी रेंग रेंग के घिस घिस के ही चलेंगे ज़मीन पर, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्नेक्स, अच्छा वो, और फिर कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके पैर होते ही नहीं हैं, जैसे कि आपको पता है रेप्टाइल्स होते हैं, सॉरी स्नेक्स होते हैं और अर्थवॉर्म्स होते हैं। स्नेक और अर्थवॉर्म में पता है आपको, अब जब छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे स्नेक्स के और अर्थवॉर्म्स के, तो आप कैसे पता करोगे कि ये केचुए का बच्चा है कि सांप का बच्चा है। तो जो खेत वेत में बच्चे जाते हैं उनको तो पता है, लेकिन मान लो अगर वो ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके, तब तो वो केचुए का बच्चा है, लेकिन अगर वो ऐसे 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 करके चल रहा है तो वो सांप का बच्चा है, क्योंकि छोटे में तो पता चलता नहीं है। इतने इतने से बहुत बार बारिश में निकलते हैं, तो ध्यान रखना जब वो ऐसे 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 आगे आगे ऐसे करके चलता होगा तो वो अर्थवॉर्म है, मतलब केचुआ है, और अगर वो इस तरह से लहरा लहरा के चल रहा है तो इसका मतलब वो सांप है, स्नेक, ठीक है, उसका बच्चा है। तो ये होते हैं रेप्टाइल्स। उसके बाद कुछ और एनिमल्स होते हैं जिनके ढेर सारे पैर देते हैं। अब सोचो इतना बड़ा क्रोकोडाइल, उसके छोटे छोटे पैर, ठीक है, और जब वो चलता है तो उसके पैर बेचारे के किसी काम के नहीं है, उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो ज़मीन पे ऐसे घिस रही होती है, ठीक। और कुछ इतने छोटे छोटे जानवर हैं लेकिन उनके छः छः पैर हैं, आठ पैर हैं। अब चींटी, चींटी कितनी सी तो होती है, सही ढंग से दिखती नहीं है, फूंक मारो तो उड़ जाती है, लेकिन उसके छः पैर होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे लाउस जो जुएं पड़ जाती हैं बच्चों के बालों में, इतनी सी होती है कि उनको अपन हाथ पे लेके चट्ट मार दो, लेकिन उनके भी पांच छह पैर होते हैं भाई, छह पैर होते हैं, किसी के आठ पैर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए बग होते हैं जो खटमल वगैरह टाइप के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके भी बहुत सारे पैर होते हैं। तो भगवान जी का काम देखो, जो इतना बड़ा क्रोकोडाइल है उसके तो पैर इतने इतने से दे दिए, इतना बड़ा स्नेक है उसके तो पैर ही नहीं है, लेकिन जो इतने इतने से कीड़े मकोड़े हैं जो फूंक से भी उड़ जाते हैं, उनके छः छः पैर हैं, किसी के आठ पैर हैं, किसी के बारह पैर होते हैं, बताइए। पर क्या कर सकते हैं, भगवान जी को बहुत मज़ा आ रहा होगा ऐसे बनाने में, तो उन्होंने बना दिया। फिर हम आते हैं उन एनिमल्स के ऊपर जो कि क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो उड़ने वाले जानवर क्या करते हैं, सभी बच्चों को पता है उनके पंख होते हैं, पंख के बगैर तो वो उड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप कभी ध्यान से देखोगे तो किसी किसी बर्ड के पास टू विंग्स होते हैं, किसी के पास फोर विंग्स होते हैं, किसी के पास सिक्स विंग्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बर्ड्स के पास अलग अलग नंबर ऑफ विंग्स होते हैं। जैसे हमारी सीधी साधी स्पैरो होती है, हमारे जो ये पिजन्स होते हैं, डव होते हैं, इनके पास तो टू टू होते हैं, मतलब एक इधर एक इधर, तो वन पेयर हो गया, है ना, तो ऐसे वन पेयर होता है। लेकिन अपनी जो हाउस फ्लाई होती है उसके पास भी वन पेयर होता है शायद, और कुछ कुछ होते हैं जैसे बटरफ्लाई होती है, और भी होते हैं कुछ जैसे कि बैट होता है, उसके भी अलग अलग, मतलब सबके अलग अलग होता है। बटरफ्लाई में शायद टू पेयर्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके विंग्स तो होते हैं, पंख तो होते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाते, जैसे कि पेंगुइन, अपना ऑस्ट्रिच, ये सब जो होते हैं ना, इनके विंग्स बहुत किवी किवी भी होता है। तो आप कभी देखो इनके जो विंग्स होते हैं बड़े वीक होते हैं, इनके विंग्स तो हैं बट ये उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड्स तो कहलाते हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि इनके विंग्स जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। फिर इनके पास एक और चीज़ होती है जिससे ये स्विम करते हैं पानी में, अगर थोड़ा बहुत तैरना हो, आपने कभी वो देखा होगा टीवी में पेंगुइन्स को देखा होगा, जनरली तो वो पोल्स पर रहते हैं, अंटार्कटिका में रहते हैं, है ना, तो वहाँ पर इतनी ठंड होती है और बर्फ़ जम जाती है, लेकिन जब थोड़ी पिघल जाती है बर्फ़ तो थोड़ा थोड़ा पानी दिखता है, बर्फ़ का, बर्फ़ की वो होती है नदी टाइप की, तो उसमें ये पेंगुइन्स चलते रहते हैं आराम से, या थोड़ा थोड़ा तैरते रहते हैं, स्विम करते हैं। कैसे, क्योंकि इनके पास होते हैं फ्लिपर्स, ठीक है, एक वर्ड आता है फ्लिपर्स, तो फ्लिपर्स की हेल्प से ये तैरते रहते हैं, ठीक है। ये सब आपको लिखवा दूंगी मैं बाद में। फिर हम आते हैं कि पानी के अंदर जानवर कैसे तैरते हैं। पानी के अंदर आपको पता है जो पानी, अब मछली है, मछली के ना तो पैर होते हैं ना विंग्स होते हैं, पर उसके पास क्या होता है, उसके पास होते हैं फिन्स, एफ से फिश, एफ से फिन्स, ठीक है। तो उसके जो बॉडी होती है इस तरीके की, सब बच्चों ने, यहाँ पर जो रहता है ना, ये जो होते हैं वो फिन्स कहलाते हैं,
आप इन फिंग्स के हेल्प से ही जो अपनी मछली होती है वो तैरती रहती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग की जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, जैसे अपने हाथ की उंगलियों के बीच में एक गैप होता है ना, उसकी हाथ की उंगलियों के बीच में गैप नहीं होता, इन पांचों उंगलियों में क्या होता है, यहाँ पर ना जाला जाला जैसा होता है, जैसे वेब कहते हैं जिसको। कभी आपने मकड़ी का जाला देखा है? मकड़ी का जाला जैसा ही जाला उसके हाथ और पैर में होता है। तो जो उसकी फिंगर्स होती है ना, मान लीजिए ऐसे 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 फिंगर्स हैं, तो इसके बीच में यहाँ पर वेब होगा, ऐसे ऐसे जाले बने होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मान लीजिए फ्रॉग का है, तो इसको हम कहते हैं वेब्ड फीट। ठीक है, तो जो फ्रॉग होता है वो इस वेब्ड फीट के हेल्प से स्विम करता रहता है पानी के अंदर। इसी तरीके से टर्टल्स वगैरह होते हैं, उनके पास भी क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं। तो हमने देखा कि भाई जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनके पास ना तो विंग्स होते हैं, पंख भी नहीं होते, ना लेग्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके जो हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं उनके बीच में या तो ये वेब जाल जैसा मिलेगा, मकड़ी के जाले जैसा होता है, इसीलिए हम इसको वेब्ड फीट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फीट मीन्स पैर, और जो हाथ होते हैं उसके जो मेंढक के पैर होते हैं वो, और वेब मतलब होता है जालेदार। ठीक है, तो इस तरीके से मेंढक स्विम करता है, मछलियाँ जो होती हैं वो फिन्स से स्विम करती हैं, और टर्टल्स जो होते हैं उनके पास फ्लिपर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से स्विम करते हैं। अब आपने देखा इस चैप्टर में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, जानवरों के रहने की जगह अलग अलग होती है, एनिमल्स के साइजेज अलग अलग होते हैं, और उनका मूवमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग्स तो आप लिख लेना, मैं दो मिनट में थोड़ी सी देर में अपन इसकी एक्सरसाइज को बस डिस्कस कर लेते हैं। बुक में ही करनी है या तो आप, अच्छा हाँ ये तो बुक में ही करनी है, तो मुझे आपको अभी करानी ही पड़ेगी, और इसके हाँ इसकी PDF भी है, तो PDF भी आपको मिल जाएगी। तो जो एक्सरसाइज बुक में करने की वो मैं आपको करवा देती हूँ, और बाकी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सब बच्चे आइए, हम मैं आपको बुक कैमरे में दिखा देती हूँ। ये देखो, सिंपल है, अ रैबिट लिव्स इन बोरो। सब बच्चों को पता है कि रैबिट कहाँ रहता है, जमीन के अंदर गड्ढा करके, तो बोरो। अ एनिमल, एन एनिमल दैट हॉप्स, कंगारू जो होता है वो हॉप करके चलता है, हॉप मतलब कूद कूद के चलता है। ठीक है, तो आप इसको कंगारू पे राइट लगा देंगे। द बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, अब ऐसा कौन सा बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकता, मतलब उसके विंग्स तो होते हैं, उसके पास पंख हैं, मगर वो बहुत वीक हैं, तो पेंगुइन, पेंगुइन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्कल द ऑड वंस, अब इनमें से कौन इनके जोड़ी का नहीं है, किसकी दोस्ती है और कौन बाहर का है। ज़ेब्रा, टाइगर, लॉयन, ये सारे के सारे कैसे हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं और बहुत तेज़ दौड़ते हैं, लेकिन हमारे चूहे राजा जो हैं रैट, वो चुपचाप घर में बिल के अंदर रहते हैं, और दौड़ते तो ये भी बहुत तेज हैं, पर ये बिल के अंदर रहते हैं, जबकि ज़ेब्रा, टाइगर और लॉयन जंगल में रहते हैं। ठीक है, हॉर्स, ज़ेब्रा, एप, चीता, अब देखो हॉर्स भी तेज़ दौड़ता है, ज़ेब्रा भी तेज़ दौड़ता है, चीता भी फास्ट रनर होता है, लेकिन जो एप होता है वो हाइंड लिम यूज़ करता है, पीछे के पैर, तो इसको हमें सर्कल करना पड़ेगा। लिजार्ड, हॉर्स, टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल, अब देखो हॉर्स जो है उसे हमने इसीलिए सर्कल किया है क्योंकि लिजार्ड, टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल सबके सब क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, और ये घिसट घिसट के चलते हैं, क्रॉल करते हैं, जबकि जो हॉर्स होता है वो क्या होता है, वो फास्ट रनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिलअप, ये आप कर सकते हो, देखो वेरी बिग पूछा है, वेरी बिग में एलिफेंट या ज़ेब्रा आएगा, कोई बच्चा लॉयन टाइगर नहीं लिखना क्योंकि लॉयन और टाइगर तो सिर्फ बिग होते हैं, वेरी बिग नहीं होते हैं। फिशेज स्विम इन वाटर विद देयर फिन्स, ये मैंने आपको अभी बताया था। फ्रॉग स्विम इन वाटर विद देयर वेब्ड फीट, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया, लिख लेना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से कर सकते हो ये काम। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत सिंपल और छोटा सा है, इसमें आपको बताना है पेंगुइन्स यूज देयर फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग, ये मैंने आपको अभी बताया था कि पेंगुइन्स जो होते हैं वो स्विमिंग करने के लिए फ्लिपर्स के यूज़ करते हैं। इन पिक्स को देख के सब बच्चे इनका नाम लिख देंगे, क्रोकोडाइल, ग्रास ओपर, लाउस एंड कंगारू। इसमें भी आपको ड्राइंग करनी है और नाम लिखना है, तो छोटे बच्चों वाला काम हो गया, फिश, एलिफेंट एंड बर्ड। ठीक है,
अ वेरी शॉर्ट आंसर. नेम एन इंसेक्ट विच हैज़ वन पेयर ऑफ विंग, हाउस फ्लाई. नेम एनी टू बिग एनिमल्स. अब देखो इसमें वेरी बिग नहीं पूछा है, सिर्फ बिग पूछा है तो हम लॉयन और टाइगर लिख देंगे. नेम फोर एनिमल दैट क्रॉल ऑन द लैंड. तो सब बच्चों को पता है, इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी वैसे तो, इसमें मतलब मैंने भेज ही दी है, आपको मिल ही जाएगी जल्दी. तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम क्रॉल करने के लिए हम क्रोकोडाइल, इस लिजार्ड है ना, और स्नेक, ये सब लिख सकते हैं. और हम क्या लिख सकते हैं, अर्थवॉर्म लिख सकते हैं. ठीक है, नेम वन एनिमल दैट लिव इन ट्रीज. तो ट्रीज में कौन रहता है, स्क्विरल. वाटर में रहती है फिश. अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, ज़ेब्रा ऐसे ही बस किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है. और नेस्ट में रहती है स्पैरो. थर्ड क्वेश्चन आप मत लिखना, ये क्रॉस करने का है. नेक्स्ट है, व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये कह रहे हैं कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए और एनिमीज से अपने आप को बचाने के लिए. और डिस्क्राइब हाउ एनिमल्स मूव इन वाटर. तो इसमें आता है कि एनिमल्स मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स, फ्लिपर्स एंड वेब्ड फीट. ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया. क्वेश्चन आंसर्स की मैं PDF भेज दूंगी, हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग भी होंगे उसमें. लेकिन जो ये है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सर्कल, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको बुक में ही करना है. और ये पिक्स वाले भी आपको बुक में ही करने हैं. ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड अवर थर्ड चैप्टर. थर्ड चैप्टर कम्प्लीट होता है. मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी दिन जब भी आपका घर पे कोई अवेलेबल हो, इनकी बुक्स और कॉपीज चेक करने के लिए दीजिए. और एक दिन बाद आके आप कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बच्चा पढ़ तो रहा है मगर वो गलत ना पढ़े इसीलिए. वैसे तो आप हैं उसको देखने के लिए, बट स्टिल कभी कभी कोई गलती ना हो जाए, इसलिए कॉपी चेकिंग भी ज़रूरी है. ठीक है, तो मैं कोई पर्टिकुलर डे भी नहीं दे रही हूँ. आपके घर में जब भी कोई अवेलेबल है, जब भी किसी को टाइम मिलता है, वो एक दिन कॉपी दे, उसका दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन आकर मेरे से कॉपी ले जाएं. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस थिंग्स. और सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ेंगे मन लगा के. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.